इसमें एक बड़ा रिंग है इधर बीच में, जब हम ब्रेक मारेंगे तो छोटा वाला जलेगा। एक बार जरा ब्रेक मार दो वहाँ से, ये देखो ये छोटा वाला रिंग जलता है। लोगो अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। बल्ब देखो यहाँ होता है सेंटर में, अगर पानी थोड़ा नीचे भी जाता है ना उसके अंदर तो बल्ब खराब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर होती है एलईडी एंड टू एंड। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। अच्छा हुआ क्या था, मैंने इंडिकेटर सेट लगवाए थे, लेकिन ना क्या होता है जब वॉशिंग कराते ना हम, तो मैं भी भूल गया कि मेरे को इसको ढक के रखना था, ठीक है, तो ये हो गया खराब। और सही बताऊं तो देखो ये वाले जो हम इंडिकेटर्स लगवाते हैं ना ग्रे मार्केट से, इनके अंदर इतनी ज़्यादा सील नहीं होती है यहाँ से, कि ये प्रेशराइज वाटर जो होता है, जो हम पाइप से पानी मारते हैं जब हम वॉश करते हैं ना, तो उसको ये सहलें, इसके अंदर ना हल्का सा पानी चला जाता है। और ये एलईडी होती है इसलिए शॉर्ट हो जाती है। जो कंपनी देती है उसके अंदर होता है बल्ब, तो बल्ब क्या होता है, मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ। बल्ब देखो यहाँ होता है सेंटर में, अगर पानी थोड़ा नीचे भी जाता है ना उसके अंदर तो बल्ब खराब नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसके अंदर होती है एलईडी एंड टू एंड, तो अगर हल्का सा भी पानी इसके अंदर भरता है तो ये एलईडी फूक जाती है। इसलिए अब मैं इसको आज चेंज करूँगा, नए सेट ऑफ फोर अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल करूँगा और फिर देखते हैं कि ये इंस्टॉल कैसे होते हैं। जो लोग मंगाते हैं ऑनलाइन, आज ये उन लोगों के लिए वीडियो है कि आप इसको इंस्टॉल कैसे करो, ठीक है। तो स्टेप टू स्टेप वीडियो बनाएंगे और फिर देखेंगे कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। अब ये इसको चेंज करने में, जैसे कोई अगर घर पे मंगाता है तो उसको चेंज करने में ज़्यादा टेक्निकल बंदा चाहिए या नॉर्मली भी हो जाएगा? ऐसे नॉर्मल हो जाएगा। कई बार क्या होता है 10 की चाबी चाहिए या तो 10 की की चाहिए आपको। अच्छा बस बस इसको जो है ये 3 बोल्ट खुलेगा। हाँ अंदर जो है 18-19 के चाबी से, हाँ 19 नंबर के जो है नट लगे होते हैं इंडिकेटर के अंदर। अच्छा और ये 19 नंबर के चाबी से जो है, हाँ टाइट कर देना है और ये कनेक्शन हो जाएगा। अच्छा बस बस चलो तो ठीक है खोलते हैं। अच्छा मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये वाले बोल्ट खोलो और 3 बोल्ट खोलो। हाँ। उसके बाद जो है ये आपका बैकलाइट कंप्लीट बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा, कितनी गंदी हो रही है। हाँ, इतनी जो है ये सॉकेट निकालना है। हाँ, लाइट का बैकलाइट जो है नीचे रख देना है आपने। हाँ, उसके बाद में आ गया इंडिकेटर खोलने का बारी। हाँ, ये 18-19 की चाबी है। अच्छा इसे ये खोला, उसके बाद में नट खुल गया, ये बाहर निकल गया। अब वायर को जो है बाहर निकालना है। ये इंडिकेटर के तार है। हाँ, ये प्लस के तार है, ये माइनस के वायर है। तो इसमें वायर होती है, इसमें वो नहीं होता सॉकेट? सॉकेट होता है ना, सॉकेट ये अंदर लगा हुआ है। अच्छा काट के तार बना रखी है उसकी। हाँ, तार जोड़ना पड़ता है काट के, क्योंकि इंडिकेटर में जो है सॉकेट होता नहीं है, इसलिए जो है वायर ही कनेक्ट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा तो मतलब अब ये दोनों हमारे इंडिकेटर यहाँ से निकल गए स्टेप बाय स्टेप, है ना। और नया वाला जो पीस है ये वाला, ये यहाँ पे आके ऐसे करके लग जाएगा बस, ठीक है। इसमें सीधे उल्टे का भी कुछ होता है या नहीं? नहीं, कोई राइट लेफ्ट नहीं होता है। अच्छा बस कोई सा भी किसी चीज से राइट लगा सकते हो। अच्छा जैसे जैसे खोला है वैसे वैसे ही टाइट कर दो बस, और कुछ नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग डरते हैं कि हम ऑनलाइन मंगा लें घर पे, लेकिन बाद में हमसे लगे या फिर ना लगे। अच्छा इसके कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं? जैसे हम कंपनी से मिलता है ये वाला सॉकेट, है ना, ये वाला लेफ्ट का है राइट का है? ये तो लेफ्ट का है। ये लेफ्ट का है और ये वाला राइट का है ना। तो इनमें से ये वाली तार निकालो और इसके अंदर होंगे टेन लाइट के कनेक्शन और इन दोनों में होंगे वो वाले, है ना। ये हो गया इंडिकेटर के प्लस वाला वायर। हाँ, इंडिकेटर के माइनस वाला वायर। हाँ, और ये हो गया टेल लाइट के जो है वायर। अच्छा हाँ चलो ठीक है लगाओ। येलो टेल वायर के और रेड कलर की जो है प्लस इंडिकेटर के और ये माइनस इंडिकेटर के। अच्छा हाँ, ये हमने अब कनेक्शन जोड़ना है। तो यहाँ से क्या होता है, कई बार क्या होता है कंपनी का सॉकेट जो बनाया हुआ है वो इधर प्लस दे दिए हुआ है, इधर माइनस है। अच्छा। और इस साइड देखो आप क्या करा है, कंपनी ने उल्टा कर दिया है, इधर प्लस कर दिया हुआ है लाइनिंग वाला। हाँ। और इधर माइनस कर दिया हुआ है। तो मैं हम क्या करेंगे कि इसको उल्टा ही जोड़ेंगे। अच्छा जैसे ये हो गया, सपोज करो ये हो गया, तो इसको हमने क्या करना है, प्लस वाला वायर है ये होना चाहिए था ब्लैक जो है माइनस होना चाहिए, लेकिन ये जो है यहाँ से सॉकेट पलटा हुआ है इसलिए जो है ब्लैक वाला प्लस है। अच्छा और जिस पे ग्रीन धारी दिया हुआ है ये है माइनस। अच्छा ठीक है। सेम जो है इस साइड वाला इंडिकेटर में होगा।
ये ब्लैक वाला जो है एक प्लस है और ये वाला जो है ब्लैक वाला माइनस है। ठीक है, तो मतलब हमें बस प्लस माइनस का ही फर्क देखना है कहाँ कहाँ से है ना। हाँ हाँ। और ये सारी क्लासिक के अंदर सेम होता है। ओल्ड मॉडल जो जिनके है डबल डिस्क नहीं है वो उनमें जो है ये कपलर के लाइनिंग जो है सेम होते हैं। इसमें न्यू मॉडल में जो है ना कंपनी ने बदल दिया, चेंजिंग कर दिया है। अच्छा। तो ये प्लस माइनस नॉर्मली जो है आपने देख लेना है कि लाइनिंग जो है किधर की साइड है। अच्छा। हाँ। और फिर लास्ट में इसमें टेप लगा के इसको सिक्योर कर दो कि कहीं से शॉर्ट वॉट ना हो और ये जो वायरिंग है ये आपकी बॉडी में ना लगे, इसलिए टेप जरूर लगाना। अच्छा, और फिर ये सारी चीजें करने के बाद हमें टेन लाइट से करने हैं ये वाली वायर्स के कनेक्शन, है ना। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरी ये जो लाइट है जल तो सही रही है लेकिन ये थोड़ी ना पुरानी सी हो रही है ना। तो इसको चेंज करते हैं, नई वाली दिखाइए जरा संदीप। नई वाली कुछ इस टाइप की है जो ज्यादा ब्राइट है और ज्यादा अच्छी सी दिख रही है नई सी, और पुरानी वाली मेरी कुछ इस टाइप की लगी हुई है। जल्दी ये भी सही है लेकिन अब हम इसको चेंज करते हैं। तो चलो संदीप, अगर हमें LED टेन लाइट लगानी हो तो वो कैसे लगाते हैं जरा बताओ। कुछ नहीं करना है, पीछे से ये तीन पेच दिया हुआ है। हाँ। इसको हमने जो है पेचकस से खोलना है, ये पेचकस से आराम से खुल जाएगा तीनों पेच। मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ ज्यादा वो नहीं। हाँ, है ना, है नहीं, सॉकेट टू सॉकेट कपलर होता है और ये जो है आसानी से तीन पेच खोलो, वापसी बैक लाइट निकाल लो और फिर वो ऐसे ही रख करके तीन पेच टाइट कर दो। ये हमने तीन पेच खोला, ये नॉर्मली जो है बैक लाइट ये निकल गया और इसको जो है नए वाले को लग फिट करना है। ये आप ध्यान रखना कि ये जो रिफ्लेक्टर होती है जहाँ पे सफ़ेद दिया होता है वाइट कलर के दिया होगा। हाँ। ये नीचे की साइड होना चाहिए। अच्छा। ताकि जो है नंबर प्लेट पे यहाँ से रोशनी मारती है। ठीक है, ये नीचे की साइड आना चाहिए आपको, बस यहाँ पे रखा आपने और ये तीन पेच जो है वापसी वैसे ही टाइट कर देना है। ठीक है, तो तीन पेज खोलो, तीन पेज वापस टाइट कर दो और तुम्हारी लाइट हो गई तैयार। ठीक है, और ये वाली जो वायर्स हैं ये हम कपलर के अंदर डालेंगे। हाँ, ये वाली वायर को जो है कपलर के अंदर, ये ग्रे कलर की वायर जो होती है। हाँ। ये देखो आप, ये ग्रे कलर की वायर होती है, पार्किंग की वायर होती है। अच्छा, ये ग्रे कलर की वायर में जो है ये वायर को छील करके लगा करके। हाँ। और सॉकेट लगा देना है बस। बस ठीक है। अच्छा, तो बस हमारी ये तीन पेज खोल के तीन पे दोबारा से लगा दिए और ये हो गई हमारी लाइट रेडी लगने वाली बिल्कुल फिट। अब ये जो एक रॉयल का ना रिफ्लेक्टर आता है, ये रिफ्लेक्टर के अंदर एक लाइट जलती है, मैं उसको ब्रेक लाइट के साथ में जलाऊंगा। वैसे ये जो मेरा डिफॉल्ट रिफ्लेक्टर लगा हुआ है ये थोड़ा सा टूट भी गया है, तो मैं इसकी जगह ये नया वाला लगाऊंगा और इसके अंदर लाइट भी जलेगी, तो उसको हम ब्रेक लाइट के साथ में इसको कनेक्ट करवाएंगे, ब्रेक लाइट के साथ में जलेगा। ये देखो वायर है ना, चलो इसको लगाते हो। लगाने के लिए जो है कुछ नहीं करना है, 8 नंबर का एक पेच होता है, ये या तो चाबी से खोल लो या तो आपके पास टी गोटी है तो टी गोटी से खोल लो। हाँ। ये यहाँ से खुल जाएगा। ऐसे ही है सेम, इसको जो है यहाँ से टाइट हो जाएगा आपका, ये हो गया पीस। ओके, पीस लग गया रॉयल एनफील्ड का लोगो। अब इसका हम कनेक्शन करेंगे। और ये संदीप, ये देखो अगर तो मतलब जो हमारे पास पहले पुराना वाला लगा हुआ था उससे ज्यादा अच्छा भी दिख रहा है। अच्छा भी दिख रहा है ना। हाँ। और इसमें ब्रेक मारने पे लाइट भी जलेगी तो ये जब जलेगी तो और खूबसूरत लगेगी, और ज्यादा खूबसूरत लगेगी। वापसी ये इंडिकेटर का जो है रिंग का वायर है, जो रिंग जलती है उसकी वायर है, ये भी पार्किंग में आपका जाएगा। ये जो है आपका माइनस का वायर हो गया, ये दोनों जो है प्लस के वायर हो गया। इसको और ये नीचे की रिफ्लेक्टर वायर है, रिफ्लेक्टर की वायर है, इसको जो है साथ में तीनों को कनेक्ट कर लेना है। अच्छा। हाँ, ये तीनों एक साथ हो गया। अब आपने क्या करना है, ये ब्लैक कलर की वायर है, ये माइनस की वायर है, इसको जो है लगाना है आपने। और ये वाले जो है ये ग्रे कलर की तार जो पहले अपने को बताया था मैंने, ये ग्रे कलर की वायर जो है पार्किंग की होती है। अच्छा। इस वायर में जो है इसको कनेक्ट करना है। ये ध्यान रहे कि जब आप सॉकेट में लगा रहे हो तो ये दोनों वायर जो है आपस में लग तो नहीं रहे, जो है भीड़ तो नहीं रही है। हाँ। ये ध्यान रखना, अगर भीड़ेगी आपस में जो है ज्वाइंट होगा, ये शॉर्ट सर्किट कर जाएगा। ये चीज के खास आपने ध्यान रखना है। उसके बाद में ये सॉकेट को जो है आपने ये सॉकेट को लगा देना है। तो जब सबको लग जाता है तो एक बार ही हमें चाबी ऑन करके
टेस्ट करना है कि सारी चीजें चल रही हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। इसमें एक बड़ा रिंग है इधर बीच में, जब हम ब्रेक मारेंगे तो छोटा वाला जलेगा। एक बार जरा ब्रेक मारना वहां से, ये देखो ये छोटा वाला रिंग जलता है। तो हमारे इंडिकेटर्स लग गए हैं पीछे वाले दोनों पैर, ऐसे ही हम सेम आगे वाले लगाएंगे और बस मजे उड़ाएंगे फिर। बस ये है कि जब भी आप ऐसे वाले इंडिकेटर्स लगाओ तो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी वॉशिंग करा रहे हो ना इसके ऊपर पॉलिथीन चढ़ा लो, वरना पानी चला जाएगा। एलईडी नीचे तक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया एलईडी नीचे तक है, आपका वो एक एलईडी शॉर्ट होगी ना वो एक एक करके चार पांच एलईडी को शॉर्ट कर देगी, तो नीचे से ये बंद हो जाएगा फिर, तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसी के साथ खुश रहो, अच्छे से रहो और नए नए वीडियो देखते रहो। और अगर नए नए वीडियो देखने हैं तो फिर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय। लेकिन वीडियो पूरा देख के जाना, ठीक है।